उत्तरी जिला के स्पेशल स्टाफ ने वजीराबाद में मुठभेड़ के बाद एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम था। तस्कर की गिरफ्तारी से पुलिस ने तिमारपुर, मॉरिस नगर व सिविल लाइंस के आर्म्स एक्ट के 3 मामले सुलझाने का दावा किया है। DCP एंटो अल्फोंस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तस्कर का नाम आमिर सैफी है। वह मेरठ यूपी का रहने वाला है। इसके खिलाफ यूपी के थानों में भी कई मामले दर्ज हैं। हाल में बागपत पुलिस ने भी इसे अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे वो 15 दिन बागपत जेल में रहा था। इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 कट्टा, 10 कारतूस, एक खाली खोखा व अपाचे बाइक बरामद की है। पूछताछ में इसने बताया कि वो मेरठ के कुख्यात हथियार निर्माता माजिद उर्फ बिट्टू व साजिद उर्फ मोटा के अलावा मुजफ्फरनगर के दिलशाद से अवैध हथियार खरीदकर उसे यूपी व दिल्ली NCR के बदमाशों को बेचता था। आला अधिकारियों के निर्देश पर उत्तरी जिला के स्पेशल स्टाफ इनामी बदमाशों के बारे में पता लगा रहे थे। तभी हवलदार दीपक त्यागी को 10 जून को सूचना मिली कि एक हथियार तस्कर अवैध हथियारों की खेप लेकर पुराना यमुना पुल के पास किसी को आपूर्ति करने आने वाला है। ACP जयपाल सिंह, इंस्पेक्टर तिलक चंद बिष्ट के नेतृत्व में SI हंसराम, राकेश कुमार, हवलदार मंजीत अंसार, पुनीत व सिपाही प्रवीण की टीम ने सुबह के समय पुराना रामघाट पार्किंग, यमुना ब्रिज, वजीराबाद के पास बाइक सवार अमीर को रोकने का इशारा किया तो वह यूटर्न लेकर भागने लगा। पीछा करने पर बाइक स्लिप होने से वो गिर गया। हवलदार दीपक जब उसकी तरफ बढ़ा तो उसने फायरिंग कर दी। वो बाल बाल बच गए। पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। स्पेशल स्टाफ कुछ महीने के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनके पास के 10 हथियार व 22 कारतूस बरामद किए गए। मेरठ निवासी 25 वर्षीय आमिर सैफी अनपढ़ है। यह बचपन से ही नशे का आदी था। अपनी गंदी आदतों को संतुष्ट करने के लिए वे पैसे कमाने के लिए असामाजिक तत्वों के संपर्क में आ गया था। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में यह हथियार तस्कर माजिद के संपर्क में आया और हथियारों की तस्करी करने लगा, जिसके लिए उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। फिर यह मोहम्मद ओवैश, महफूज, बिट्टू, साजिद उर्फ मोटा जैसे अपराधियों के संपर्क में भी आया और उन्हें अवैध हथियार सप्लाई करने लगा। एक बार अवैध हथियारों के साथ बागपत में भी पकड़ा गया और करीब 15 दिनों तक बागपत जेल में रहा। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।